हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ। क्लास एट्थ का हमारे पास चैप्टर है सिक्स। चैप्टर फाइव कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। चैप्टर सिक्स में क्या है देखो, चैप्टर सिक्स है हमारे पास स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट है। कोई भी हमें नंबर दे रखा है उसके स्क्वेयर कैसे निकालते हैं उसका और उसका स्क्वेयर रूट कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे चैप्टर सिक्स में। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम। फर्स्टली क्या है, स्केयर्स ऑफ ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज द नंबर रेज टू द पावर टू। स्केयर क्या होता है, किसी भी नंबर का जो स्केयर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एज द नंबर जो भी हमें नंबर दे रखा है रेज टू द पावर टू, उसकी जो पावर है वो क्या है, टू। मान लिया हमें दे दिया कि स्केयर निकालना है सिक्स का, तो इसका मीनिंग क्या है कि सिक्स है जो उसकी पावर कितनी है, टू। एट का निकालना है तो क्या हो जाएगा, एट की पावर टू। ये हमारे पास क्या होता है, इसका स्क्वेयर। और पावर टू का मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे लिख लेंगे, सिक्स को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई लिखेंगे, टू टाइम्स। एट को भी कितने टाइम मल्टीप्लाई लिखेंगे, टू टाइम्स। अगर पावर यहाँ थ्री होगा तो थ्री टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वेयर के लिए, कि ये हमारी क्या है, इसकी पावर रेज टू। नेक्स्ट है, ए परफेक्ट स्क्वेयर इज ए नंबर। एक परफेक्ट स्केयर है वो क्या है, इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इंटीजर्स। एक परफेक्ट स्केयर वो होता है जो कि नहीं भी दो इक्वल नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से आता है। जैसे हमारे पास फोर है, फोर को हम कैसे लिख रहे हैं परफेक्ट स्केयर, क्योंकि टू मल्टीप्लाई टू करने से हमारे पास क्या आया, फोर। नाइन है हमारे पास क्या आएगा, थ्री मल्टीप्लाई थ्री। सेम इंटीजर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से, सेम की मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आया है वो ये हमारे पास क्या होता है, उसका परफेक्ट स्केयर। अब 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4। 25 को 5 मल्टीप्लाई 5। 36 को क्या लिख देंगे, 6 मल्टीप्लाई 6। और 49 किसका हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो 4, 9, 16, 36, 49, 25, 81 ये सब क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट स्क्वेयर है। क्यों, क्योंकि ये दो सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से आए हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वेयर। अब आगे पढ़ेंगे हम परफेक्ट स्केयर की, सॉरी स्केयर है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केयर नंबर। कोई भी एक स्केयर नंबर दे रखा है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है स्केयर पे प्रॉपर्टी। फर्स्ट है, नो स्केयर नंबर एंड विद द डिजिट्स 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेसेस। कोई भी अगर हम कितने भी नंबर तक का स्केयर निकाल लें, किसी भी नंबर का स्केयर है जो उसका यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। कैसे, 1 का स्केयर करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्केयर करेंगे क्या आया, 4 आया। 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49 आ जाएगा, 8 का 64 आ जाएगा, 9 का 81, 10 का 100। इसी तरह फिर 11 पे आ गए तो 11 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई 121 आ जाएगी और 12 का क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो हमारे पास जब भी हम निकालेंगे, कहीं तक भी निकाल के देख लो, लेकिन कोई भी हमें ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि उसका हम स्केयर करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 2, 3, 7 और 8 में से मिले, ये कभी भी नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, द स्केयर नंबर मस्ट एंड विद द डिजिट्स। जो स्केयर नंबर है वो हमें से किन डिजिट से होंगे, उसके यूनिट प्लेस है वो किस नंबर से होगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन डिजिट से होगा वो। बट द नंबर एंडिंग विद 0, 1, 4, 5, 6, 9 मे और मे नॉट बी ए परफेक्ट नंबर। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हम स्केयर निकालेंगे, किसी भी नंबर का हमने स्केयर निकाला तो ये हमारे पास आएगा कि उसका लास्ट डिजिट है वो क्या आ जाएगा, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। बट ये हमारे पास कोई कंपलसरी नहीं होता कि किसी भी, जैसे किसी भी नंबर के बीच 4 है यूनिट प्लेस, जैसे 14 है, 14 के बाद में हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 14 भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्केयर होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि कैसे, ये हमारे पास एक एग्जांपल लिया मैंने, मेरे पास है 25 है इन नंबर्स से, और 0 किसके एंड में आता है, 100 के एंड में भी 0 आते हैं। 10 का स्केयर होता है जो, 1 आता है, 1 का स्केयर कर देंगे 1 आ जाएगा। और 5 किस में आता है, 25 में। 6 किस में आता है, 36 में। और 3 का कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9।
अब देखो इनका यूनिट प्लेस है वो क्या है, 0 है, 5 है, 1 है, 6 है, 9 है, यही हमारे पास क्या है इसके यूनिट प्लेस में। 4 भी होता है, 4 किसका करने से आ जाएगा, 2 का करने से आ जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आया, 9 आ गया। और 6 का स्क्वायर करने से 36 आता है, तो वो 6 हो गया लास्ट में हमारे पास है। यहाँ 6 की जगह 9 लिखेंगे, 9 है वो किसका स्क्वायर करने से आता है, 3 का स्क्वायर करने से आता है। और 36 6 का स्क्वायर करने से 1 का 1। तो ये नंबर हमारे पास क्या है कि किन्हीं ना किन्हीं का स्क्वायर करने से हमने ये नंबर निकाल सकते हैं कि उनका जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट प्लेस है, वो क्या आएगा, 0 1 4 5 6 एंड 9 में से आएगा। बट इसके अलावा देखो 100 है, इसमें लास्ट डिजिट 0 था, तो हमने क्या बोल दिया, एक परफेक्ट, एक किसी ना किसी स्क्वायर का रूट। लेकिन अगर 100 के बजाय मैंने क्या ले लिया, 10, तो क्या हमारे पास 10 भी ऐसा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है 10? नहीं है। 25 के बजाय मैंने 15 ले लिया, क्या 15 है, क्योंकि इसका भी लास्ट डिजिट 5 है। बट ये क्या बोल रखा है, इसीलिए बोल रखा है कि द नंबर एंडिंग विद 0 1 4 5 6 एंड 9 मे और मे नॉट बी ए परफेक्ट नंबर, कि वो हो भी सकता है एक परफेक्ट नंबर और वो नहीं भी हो सकता। जैसे 25 है वो तो हो जाएगा, बट 15 है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्केयर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन एंड ऑड स्केयर ऑफ ऑड नंबर इज ए ऑड। किसी भी इवन नंबर का स्केयर करो, 2 का स्केयर कर देंगे 4 आ गया, 4 कैसा है, इवन नंबर है। 3 है, 3 ऑड नंबर है, 3 का स्केयर करेंगे क्या आएगा, 9, 9 भी कैसा है कि ऑड नंबर। 4 का स्केयर 16, 4 इवन था तो 16 भी इवन आ गया। 5 का 25 आ जाएगा, 5 ऑड था तो वो भी क्या आया, ऑड। तो किसी भी स्केयर, जब भी हम स्केयर करते हैं, इवन का स्केयर करेंगे तो इवन नंबर आएगा और ऑड नंबर का स्केयर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। नेक्स्ट है, ए परफेक्ट स्केयर कैन नेवर बी ए नेगेटिव नंबर। कभी भी एक परफेक्ट स्केयर होता है जो, वो एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, जैसे -1 -4 -9, ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी हम किसी का भी अगर स्केयर करते हैं तो वो माइनस को भी प्लस कर देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्केयर जब हम निकालते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे पास क्या आया, जैसे 1 का स्केयर करने से हमें क्या मिलता है, 1। 2 का स्केयर करने से क्या मिलता है, 4। तो 1 और 4 क्या है, 3 का स्केयर करने से 9, ये आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या परफेक्ट स्केयर है, 1 4 और 9। क्या -4 आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर माइनस का स्केयर करेंगे तो माइनस का स्केयर भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोल देंगे कि कभी भी परफेक्ट स्केयर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास n है, अगर हमें वो सोल्व करना है कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 का स्केयर माइनस n स्केयर किसके इक्वल होगा, n प्लस 1 प्लस 1। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 15, n प्लस 1 हो गया 15 का स्केयर। अब इससे एक कम लेना है तो यहाँ क्या ले लेंगे, 14 ले लेंगे। 14 है, 14 में 1 ऐड करेंगे तभी तो 15 हुआ ना, 15 का स्केयर माइनस 14 का स्केयर, ये किसके इक्वल आएगा, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, और प्लस 14, 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 29। हम चाहे इसको स्केयर ओपन करके देख लेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 29। कैसे आएगा ये देखो, 15 का स्केयर कितना आएगा, 225, माइनस 14 का स्केयर कितना आएगा, 196, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तब क्या आएगा, 29। तो ये हमारे पास एक मेथड दे रखा है आपको कि कभी भी हमें दो कंटिन्यू हमारे पास नेचुरल नंबर है, उनका स्केयर का डिफरेंस है, तो वो किसके इक्वल आता है, n प्लस 1 प्लस n के। आगे ये हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, एक ट्रिपलेट है जिसके अंदर 3 हमारे पास डिजिट्स हैं, m, n एंड p। इन तीनों को हम इज कॉल्ड ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, उसको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलेंगे कब, जबकि नहीं भी दो के स्केयर का सम तीसरे के इक्वल आ जाए। जैसे 3 4 5 ले लिए, इसको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलेंगे, कैसे कि 3 का स्केयर कर देंगे प्लस 4 का स्केयर क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 होता है प्लस 4 का स्केयर कितना होता है, 16 होता है, और 9 प्लस 16 करेंगे क्या आएगा, 25, और 5 का स्केयर भी कितना होता है, 25। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट, कि कभी भी हमारे पास कोई भी दो तीन नंबर ऐसे दे रखे हैं जिनके स्केयर का किन उनमें से किन्हीं भी दो के स्केयर का सम है वो थर्ड के स्केयर के इक्वल आ जाए। अब इसके अलावा देखो,
जैसे 4, 5 और 6 ले लिया हमने, तो क्या किन्हीं विधों का स्केयर का सम आ सकता है? 4 का स्केयर कितना होता है? 16 होता है, 5 का स्केयर 25, बट 6 का स्केयर कितना होता है? 36. इन दोनों का सम तो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या आ जाएगा हमारे पास 41, ये कितना है 36, इक्वल नहीं है. तो इसको हम क्या बोल देंगे? पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है. पाइथागोरन ट्रिपलेट होता ही वो है कि किन्हीं विधों के स्केयर का सम थर्ड के स्केयर के इक्वल आ जाए. आगे है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुकेटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स. कभी भी हमें कोई भी हमें दो कॉन्टिन्यू इवन नंबर दे दिए या दो कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर दे दिए, उनका जब हमें मल्टीप्लाई करेंगे, उनके प्रोडक्ट करेंगे, तो कैसे? देखो 11 और 13 कॉन्जुकेटिव, क्योंकि 11 के बाद ऑड नंबर क्या है? 13 है. और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है? 143. तो इन दोनों के बीच में डिजिट क्या आता है? 12 आता है. 12 का स्केयर माइनस 1, 12 का स्केयर कर देंगे कितना आ जाएगा? 144. 144 में से 1 माइनस कर दिया, 143 आ जाएगा. तो ये हमारे पास इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई निकालने का मेथड क्या है कि इन दोनों के बीच में कौन आता है? 12, उसके स्केयर में से माइनस 1 कर देंगे. 44 मल्टीप्लाई 46 ऐसे इसमें कर देंगे, बीच में कौन आएगा? 45. 45 का स्केयर माइनस 1, क्या आ जाएगा? 2024. ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन. ओके, थैंक यू.